बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रॉकलिया नर्व के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉकलिया नर्व जो है ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है, मोटर इन नेचर है और अराइज करती है फ्रॉम द मिड ब्रेन। इसका एक ही न्यूक्लियस होता है, डेट इज ट्रॉकलिया न्यूक्लियस। अब कुछ लैंडमार्क्स देखेंगे। ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन है, ये कवर्नस साइनस, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, आई वॉल और सुपीरियर ऑब्लिक मसल। अब ट्रॉकलिया न्यूक्लियस जो है ये लाए करता है इन द मिड ब्रेन, इन द टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस वेंट्रल लेटरल टू पेरी एक्विडक्टल एरिया। अब इस न्यूक्लियस से जो फाइबर्स अराइज करेंगे, एक्सोन अराइज करेंगे, वो रन करेंगे डॉर्सली और क्रॉस करेंगे मिड लाइन में एक दूसरे को, और उसके बाद ये मिड ब्रेन के डॉर्सल एस्पेक्ट को लेफ्ट करेंगे जस्ट इन्फीरियर टू द इन्फीरियर कॉलिकुलस, और उसके बाद इन फाइबर्स ने वेंट्रली आना है। अब वेंट्रली आने के लिए ये कर्व करेंगे अराउंड द सेरिब्रल पुडंकल, और जब ये कर्व करके यहाँ पे आएंगे तो ये क्रॉस करेंगे, मतलब ये रन करेंगे बिटवीन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी वो इससे अबव लाए करेगी और सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी इससे बिलो लाए करेगी। उसके बाद ये फाइबर्स जो हैं रन करेंगे फॉरवर्ड और लेटर वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो इससे अबव थर्ड क्रेनियल नर्व लाई करती है और इससे बिलो जो है वो ऑप्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व लाई करती है। अब ये फाइबर्स जो हैं ट्रॉकलिया नर्व के रन करेंगे फॉरवर्ड और ये एंटर हो जाएंगे ऑर्बिट में थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और यहाँ पे ये अबव द टेंडिनियस रिंग होंगे, क्रॉस करेंगे रूफ ऑफ द ऑर्बिट को, देन डायगोनली क्रॉस द लिवेटर पैल्पिब्री सुपीरियरस, और फाइनली दे गो इनटू द सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड सप्लाई दिस सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सुपीरियर ऑब्लिक मसल इज द ओनली मसल डैट इज सप्लाइड बाई दिस ट्रॉकलिया नर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉकलिया नर्व।